क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था कॉन्स्टोलेशन माइनर एंड अब आज जो पढ़ेंगे दी सोलर सिस्टम। ये भली बात ही आपको बहुत अच्छे से मैंने समर कैंप से पहले पढ़ाया था, वापस अगेन। दी सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, दी एट्थ प्लेनेट एंड देयर सैटेलाइट। सबको पता है कि इसमें एट प्लेनेट एंड और उसकी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं और मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हैवीली बॉडीज सच एज द एस्ट्रोनेट्स एंड कॉमेट्स। अब आपको पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रह और चमकती चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आसमान में रहते हैं उसको एस्ट्रोनेट्स बोलते हैं, और बहुत सारी सैटेलाइट्स और सन के एट प्लेनेट्स हैं। अब मैं आपको मेन जो आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने आपको समर कैंप से पहले भी बताया था, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार्स एंड प्लेनेट। स्टार और प्लेनेट्स में क्या डिफरेंस है? देर आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। बहुत सारी गैसेस से मिलके स्टार्स बनते हैं, जबकि प्लेनेट्स देर आर मेड अप ऑफ ए सॉलिड मटेरियल्स लाइक ए रॉक्स एंड स्टोन्स। कुछ मटेरियल्स जो सॉलिड होते हैं उससे ये बनते हैं प्लैनेट्स। दे सेकेंड नंबर, दे हैव देयर हाउन लाइट। जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो कुछ चमकते हुए तारे दिखते हैं जो खुद की लाइट क्रिएट करते हैं, जबकि दे शाइन बाय रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए स्टार। जबकि प्लैनेट्स जो हमको चमकते हुए दिखते हैं वो प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती है, जबकि वो रिसीव करते हैं, किसकी लाइट रिसीव करते हैं, स्टार्स की। एंड थर्ड वन, दीज आर बिग एंड हॉट। बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइट की वजह से, अपनी आउन हीट की वजह से ये गर्म भी होते हैं। दे अपीयर ए स्मॉल बिकॉज दे लार्ज ए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जब अर्थ से हम ऊपर स्पेस की तरफ देखते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे बिंदु के आकार के ये हमको दिखते हैं, एक्चुअल में वो बहुत बड़े होते हैं, ये डिस्टेंस बहुत दूर होते हैं इसलिए हमको छोटे दिखते हैं। दीज आर रिलेटिवली स्मॉल एंड देयर रेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और सन से जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस दूर होगी उसके ऊपर इसका टेम्परेचर डिपेंड होता है। लास्ट वन, देर आर मिलियन ऑफ स्टार्स, जिसका बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जबकि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ओनली एट नॉन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये फोर मेजर डिफरेंस है, ये आपके होमवर्क में भी है आएगा, उसका आंसर है और आपको समझना। ये डायग्राम मैंने आपको समर कैंप से पहले भी बताया था, ये बाय द डिस्टेंस ये सन है, सबसे नज़दीक मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर फोर्थ नंबर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ये आपको सोलर सिस्टम बताया गया है। इसका चार्ट भी बनाना है आपको अच्छे से और एक्सप्लेन भी करना है। स्मॉलर हैवीली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कोल्ड है, और जो प्लैनेट्स के पास में रहती है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। आज मैं आपको पहला बता रहा हूँ दी सन। सन क्या हुआ, सूरज को, इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम का फैमिली मेंबर, मतलब हेड ऑफ द फैमिली। द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टर स्टैटिक, सबसे दूर और या बोल सकते हैं सबसे बड़ा स्टार भी इसको बोला गया है जो अर्थ से पास में है। लाइक ऑल स्टार्स द सन इज मेड अप ऑफ ए हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम जो मेन गैस है उससे, ऐसे तो बहुत सारी गैस है, अनगणित गैस है, लेकिन मेन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द मूविंग क्लाउड ऑफ दिस गैसेज आर नोन एज ए नेबुला। जो ये बार बार दिस गैस जो मूविंग होती है, क्लाउड्स ऑफ दिस गैसेज उसको क्या बोलते हैं, नेबुला। एंड इट हैज़ द सरफेस टेम्परेचर, आप इमेज कर सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 6000
डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपनी अर्थ का अपन नॉर्मल 35 या 40 डिग्री पे अपने पसीना आने लग जाता है, गर्मी लगने लग जाती है, जबकि सन का कितना है 6000। इमेज कर सकते हैं अपन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू लाइट्स न्यूक्लियरी कंबाइंड टू द फॉर्म ऑफ एविली न्यूक्लियर्स, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द सन्स एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर जितने भी चीज़ें होती है, जिससे बम वगैरह या अलग अलग तरह की गैस होती है, वो किससे डिपेंड करती है, सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड वन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है। ये भी आपको मिनिमम बताया है, अभी इसकी भी पुष्टि पूरी नहीं हुई कि वो कितना दूर है, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी है। ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से ये घूमता है, पर सेकेंड में 3 लाख, ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स ओवर 8 मिनट टू द रीच टू द अर्थ। अब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में इसकी लाइट चल आती है, और अर्थ में पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना किलोमीटर ये होगा, एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर है, जबकि ये 8 मिनट में अर्थ तक पहुंचता है। इट मीन्स नियर अप्रोक्स 150 मिलियंस किलोमीटर अर्थ प्लेनेट से सन दूर है। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आपको चार्ट परचेज करके या आप कॉपी में भी बना सकते हैं, आई थिंक परचेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए होमवर्क, होमवर्क के लिए ये सबसे पहले एमसीक्यू है, एमसीक्यू ये पूरे करने हैं 8 तक। ओनली ए वाटर ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द सरफेस, दी क्या होगा, मून स्टार एंड सन, ऑल ऑफ दीज इज मेड ऑफ बर्निंग गैसेज, दी सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यूनिवर्स इज द सो इज दैट इज द डिफिकल्ट इमेज इट्स साइज, स्टार विच आर अरेंज्ड इन द ग्रुप आर कोल्ड कॉन्स्टेलेशंस, देर आर मोर देन 60 सैटेलाइट इन अवर मून सिस्टम, The moon revolves around the earth is about 27 days 7 hours, वार्मी एप अर्थ में आपने पढ़ा था। एंड लास्ट वन, स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैव प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून सरफेस, ये आपका होमवर्क है, एक नंबर होमवर्क ये हो गया। उसके बाद ये 8th नंबर, डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन, मेक ए चार्ट शोइंग डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, ये आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक चार्ट को परचेज करना है, और उसमें आपको अच्छे से ये प्लैनेट्स वाला डायग्राम बनाना है, होमवर्क। आज के लिए ये इतना होमवर्क है। थर्ड वन पॉइंट क्या है, एक्टिविटीज एमसीक्यू करना है। ई का एट्थ कौन सा हो गया, डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स, एंड एक्टिविटीज आपको चार्ट लेना है, और ये प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आपको बताना है। इसका जो आंसर है ये चार्ट वाले का आंसर है, और डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स का ये इसी तरह आपको बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क, अगेन नोट डाउन, थैंक।